अब ये तो आप लोगों को पता है कि डेली पुलिस कांस्टेबल की जो जॉब है इसका इतना ज्यादा क्रेज है इतनी डिजायरेबल वैकेंसी है ये बच्चे इतने एक्साइटमेंट के साथ इसका वेट करते हैं बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं इसीलिए इसका इतना कॉम्पिटिशन है क्यों सो हेलो एवरीवन मैं स्वाति शर्मा स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर काफी टाइम बाद मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मेरे भी एग्जाम्स थे अभी मैं सीजुअल के एग्जाम से फ्री हुई हूँ और काफी ज्यादा क्वेश्चंस इस दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे थे काफी टाइम से बच्चे मुझसे पूछ रहे थे बट टाइम ही नहीं मिल रहा था मैं वीडियो कैसे बनाऊ तो बट जैसे ही मैं फ्री हुई मैंने सोचा कि चलो ये वीडियो बनाते हैं बहुत ज्यादा क्वेश्चन बच्चों के आ रहे थे कि डेली पुलिस कॉन्स्टेबल की वैकेंसीज आएंगी या नहीं आएंगी या फिर ऐसी अफवाह है दूसरा कितनी वैकेंसीज आएंगी कब तक आएंगी इसमें एजिबिलिटी क्या है सिलेक्शन प्रोसेस क्या है इसकी तैयारी कैसे स्टार्ट करें तो जितने भी क्वेश्चन आप लोगों के हैं डेली पुलिस कॉन्स्टेबल से रिलेटेड आपकी सारे आंसर्स इस वीडियो में मिल जाएंगे ठीक है तो सबसे पहला सवाल बच्चों का ये होता है कि वैकेंसीज कब तक आएंगी आएंगी भी या नहीं आएंगी कितनी वैकेंसीज आएंगी और इसका एग्जाम कब तक होगा हमारे पास कितना टाइम है तैयारी के लिए तो मैं आपको बता दूं वैकेंसीज तो आएंगी और इसकी नोटिफिकेशन आपको जनवरी तक देखने को मिल जाएगी और नोटिफिकेशन आने के दो से तीन महीने बाद ही एग्जाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा तो आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है ठीक है ज्यादा से ज्यादा टाइम भी आप लगाएंगे तो सात आठ महीने इतने ही टाइम आपके पास है तो उसी हिसाब से आप अपना स्ट्रैटेजी बनाते हुए चलें, ठीक है और वैकेंसीज की बात करें तो कोई बोल रहा है तीन हजार वैकेंसी आएगी कोई कह रहा है पांच हजार आएगी वैकेंसीज कितनी भी आए आपको तैयारी तो करनी है ठीक है तो अपनी तैयारी पे ध्यान लगाएं अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की सबसे पहले तो आप लोगों ने ट्वेल्थ पास की हो उसके बाद आपकी एज जो है वो 18 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए उसके बाद आपकी जो मेल में जो है हाइट 170 सेंटीमीटर मांगी होती है इसमें और फीमेल की हाइट जो है एक सेंटीमीटर होनी चाहिए एज रिलैक्सेशन की बात है वो सबको पता है ओबीसी में तीन साल का एज रिलैक्सेशन होता है और अगर एस में है तो पांच साल का एज रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा ये सभी को पता होती है नॉर्मल सी चीजें हैं हाँ और अगर मेल कैंडिडेट हैं अगर आप तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस जरूर होना चाहिए अगर आपके पास नहीं है तो अब भी अप्लाई कर दो तो, इसमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है ठीक है तो अब बात कर लेते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में सबसे पहले आपका इसमें कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है जो कि आपका 100 मार्क्स का होता है और आपको इसमें डेढ़ घंटे का टाइम मिलता है ठीक है उसके बाद आपका फिजिकल एग्जाम होता है जिसमें आपको 1600 मीटर रनिंग लॉन्ग जंप हाई जंप करनी होती है उसके बाद आपका मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये सब चीजें होती है ठीक है तो ये इसका सिलेक्शन प्रोसेस होता है और ज्यादा टाइम नहीं मिलता है क्योंकि लास्ट टाइम हमने जो देखा था दो वाला उसमें सब ज्यादातर बच्चे जो है वो फिजिकल में निकले थे तो इससे आपको ये सीख लेनी है कि फिजिकल को बिल्कुल भी लाइट नहीं लेना है इसका फिजिकल बिल्कुल भी ईजी तो नहीं होता है ठीक है और उसके बाद अगर मेडिकल की बात करें तो उसका मेडिकल भी बहुत ज्यादा बहुत आप कह सकते हो काफी टफ कह सकते हो काफी चीजें बारीकी से चेक की जाती हैं तो आप अपनी सारा एलिजिबिलिटी देख लेना कि जो मेडिकल में चीजें होती हैं आप उसमें परफेक्ट हो या नहीं अपनी आई साइट वगैरह एकदम परफेक्ट होनी चाहिए सारी चीजें ठीक है तो अब बात कर लेते हैं हम लोग आपका जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है ए हंड्रेड मार्क्स का उसमें क्या क्या आता है अब ये जो आपका हंड्रेड मार्क्स का पेपर होता है इसमें पच्चीस नंबर की तो आपकी रीजनिंग आती है पंद्रह नंबर की आपकी मैथ्स आती है दस नंबर की कंप्यूटर आती है उसके बाद पचास नंबर की जीके आती है तो अब हम लोग देख लेते हैं कि हम लोगों को जो ये हंड्रेड क्वेश्चन है सेक्शन वाइज इसकी तैयारी हमें कैसे करनी है तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग रीजनिंग की जिसमें आपके 25 क्वेश्चन आते हैं सबसे पहला काम तो आपको क्या करना है 25 क्वेश्चन का डेली एक प्रैक्टिस सेट जरूर लगाना है एक मॉक जरूर लगाना है आप एसएससी के जो प्रीवियस ईयर मॉक्स हैं वो लगा सकते हैं क्योंकि वही लेवल आपका जो है डेली पुलिस कांस्टेबल में रहेगा ठीक है आ, एक मॉक टेस्ट लगाने के बाद 25 क्वेश्चन का आपको एनालिसिस करना है कि किस टॉपिक में आपको रीजनिंग के किस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ रही है उसी टॉपिक को आपको डेली आप एक टॉपिक ले सकते हैं उसी टॉपिक को आपको YouTube पे सर्च करना है और उसको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है ठीक है तो ये डेली डेली आप अपना रीजनिंग का रखना कि जिस टॉपिक में प्रॉब्लम है एक एक टॉपिक करके डेली आप उसको जो है अपनी जो है प्रैक्टिस करते चले उसके बाद आप देखेंगे रीजनिंग में आपका जो स्कोर है वो इंप्रूव होता चला जाएगा अब बात कर लेते हैं मैथ्स की जो कि आपकी पंद्रह मार्क्स की आती है पंद्रह क्वेश्चन आपके आते हैं मैथ्स बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है रीजनिंग भी स्कोरिंग होता है और कंप्यूटर भी स्कोरिंग होता है तो इनको तो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना पचास जो ये नंबर है ये पूरे आपको लेके जाने पचास में से कम से कम पैंतालीस तो आपके आने ही चाहिए ठीक है क्योंकि जीके का हमें कोई भरोसा नहीं होता कि कितना भी पढ़ लो कहां से क्वेश्चन आ जाए कुछ नहीं पता ये आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट है यहाँ पर पूरे मार्क्स आने चाहिए तो अब बात कर लेते हैं हम लोग मैथ्स की मैथ्स में आपको क्या करना है सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं ये मैंने स्क्रीन पर टॉपिक्स दिए हैं जो आपके डेली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में आते हैं ठीक है तो आपको सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं अगर आप बिगनर हैं तो कहां से कर सकते हैं आप आदित्य रंजन सर की वीडियोज देख सकते हैं उन्होंने जो है यूट्यूब पर डाली हुई है या फिर आप आर के जो राहुल सर है उनकी मैथ्स की क्लासेस देख सकते हैं डेली पुलिस कांस्टेबल की वो करवाते हैं ठीक है मैंने इन दो टीचर्स का नाम इसलिए लिया है क्योंकि अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं आपको कुछ भी नहीं आता है तो ये टीचर्स ऐसे पढ़ाते हैं कि जिस बच्चे को कुछ भी नहीं आता वो भी स्टार्टिंग से मैथ्स जो है वो आराम से कर सकता है ठीक है अगर आप बिगनर हैं तो आप पहले अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें और अगर आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं यानी कि आप पहले से तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्या करना है आपको जो मैंने टॉपिक्स दिए ना टॉपिक वाइज आपको क्या करना है जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो डेली पुलिस में पूछे गए हैं सिर्फ वो ठीक है डेली पुलिस में पूछ डेली पुलिस के आप प्रीवियस ईयर की कोई भी बुक ले लेना किरण की ले लेना या फिर किसी भी जो भी आपको मिलती है जहां पर आपके डेली पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए हूँ एस ने जो करवाए हैं ठीक है थीके? आपको टॉपिक वाइज उनकी प्रैक्टिस करनी है हर एक टॉपिक के कम से कम सौ से डेढ़ सौ की जो है वो प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को फिर मॉक टेस्ट लगाना है आपको इंप्रूवमेंट अपने आप देखने को मिलेगा ठीक है तो ये तो आपकी मैथ्स की अब बात कर लेते हैं कंप्यूटर की जो कि आपके दस क्वेश्चन आते हैं दस मार्क्स के ठीक है इसमें आपको क्या करना है अगर आप लोगों की कंप्यूटर बिल्कुल भी अच्छी नहीं है आपको कंप्यूटर बिल्कुल भी समझ नहीं आती है तो आप क्या कर सकते हैं नवीन सर की ये प्लेलिस्ट देख सकते हैं प्लेलिस्ट देखने के बाद आपको क्या करना है ये आर की एक बुक है कंप्यूटर की ये बुक आपको फिनिश कर लेनी है जितनी बार आप इस बुक को पढ़ सकते हो पढ़ लो क्योंकि दस में से आठ नंबर नौ नंबर तो आपके आने ही चाहिए कंप्यूटर में एक अगर एक अच्छा स्कोर आपको करना है सिलेक्शन लेना है तो क्योंकि ये बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है ठीक है अगर आप लोगों की थोड़ी सी भी अंडरस्टैंडिंग है कंप्यूटर में तो आपको क्या करना है ये प्लेलिस्ट नहीं देखनी सीधा आपको बुक से पढ़ना है अगर आपको बुक से डायरेक्ट समझ में आ रहा है ना तो आप डायरेक्ट बुक से पढ़ो और इस बुक को कई बार मल्टीपल टाइम इसको रिवाइज कर लो ठीक है बहुत अच्छे नंबर आप जो है ले आओगे कंप्यूटर में तो कंप्यूटर में खाली आपको इतना ही करना है अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करोगे टॉपिक वाइज डेली एक टॉपिक पढ़ लिया हो जाएगा तो अब बात कर लेते हैं जीके की जो कि आपका पचास मार्क्स का होता है पचास क्वेश्चन होते हैं बहुत ही ज्यादा क्रूशल रोल प्ले करने वाला है आपके एग्जाम में जो कि आपका सिलेक्शन डिसाइड करता है ये पोर्शन ठीक है तो देख लेते हैं इसमें ये सभी सब्जेक्ट्स मैंने आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दे दिए हैं जिसमें आपके हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी स्टैटिक हो जाएगा आपका इकोनॉमी हो जाएगा जितने भी टॉपिक जो सब्जेक्ट्स हैं मैंने स्क्रीन पर दे दिए हैं जिसमें आपका करंट अफेयर भी होगा ठीक है तो ये सभी आपको क्या करना होता है जीके में पढ़ना होता है ठीक है सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है इसमें से कोई भी सब्जेक्ट उठाना है जैसे कि आपका फेवरेट हिस्ट्री है मान लो हिस्ट्री आपको उठाना है इसकी पूरी मैराथन यूट्यूब पे जाओ सर्च करो हिस्ट्री किसी भी टीचर की जो आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है उसकी 10-12 घंटे की मैराथन 7-8 घंटे की जो मैराथन है पूरी हिस्ट्री आप कर डालो ठीक है पूरी हिस्ट्री करने के बाद आपको क्या करना है किरण की ये बुक है इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो भी एस ने पूछे हैं ये हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं सभी आपको इसमें पढ़ने हैं उनको रिवाइज करना है बार बार क्योंकि जब आप टॉपिक कर लेते हो उसके बाद उसके क्वेश्चन करते हो तो चीजें ज्यादा जल्दी से जो है आपका रिवाइज uh, होती हैं, ठीक है ऐसा ही आपको सभी सब्जेक्ट से साथ करना है उसके बाद पॉलिटी ज्योग्राफी, जितने भी आपके टॉपिक्स हैं स्टैटिक जीके में तो आपको कुछ नहीं करना खाली प्रीवियस ईयर आपको देखने हैं टॉपिक वाइज आप पढ़ सकते हैं ठीक है अब बात कर लेते हैं करंट अफेयर्स की करंट अफेयर्स में आपको ज्यादा टाइम अभी वेस्ट नहीं करना है आपको सिर्फ डेली के दस से पंद्रह मिनट देने हैं दस मिनट खाली ये नेक्स्ट एग्जाम करके एक चैनल है यहां पर डेली आपको दस से पंद्रह मिनट की वीडियो डालते हैं डेली करंट अफेयर्स की इस चैनल की सबसे अच्छी बात यह है ये पिछला जो करंट अफेयर है वो भी रिवाइज करवाते हुए चलते हैं और स्टैटिक जो जीके है आपकी उसको भी रिवाइज करवाते हुए चलते हैं सर बहुत ही बढ़िया तरीके से करंट अफेयर्स कराते हैं आपके 10 से 15 मिनट में आपको अभी सिर्फ डेली 10 से 15 मिनट करंट अफेयर्स का सिर्फ इतना ही पढ़ना है जब एग्जाम आएगा उस टाइम आप मंथली करंट अफेयर्स करके अपना जो है तैयारी कर सकते हैं ठीक है तो दैट सेट आपको सिर्फ अभी इतना ही करना है और अपनी एक स्ट्रेटेजी बना लो आपको छह घंटे का प्लान बनाना है आठ घंटे का बनाना है दस घंटे का बनाना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है ठीक है आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रही होगी कुछ तो बेनिफिट होगा मिला होगा आपको इससे ठीक है ठीक है अगर आपके कोई भी और क्वेश्चन है डेली पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड uh, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कॉमेंट करके थैंक यू सो मच एवरी